हाउ आर यू? दिस इज विवेक मिश्रा, योर फिजिक्स टीचर, एंड वी आर रीडिंग आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 12th. आवर चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने दो वीडियोस बना लिए, और पहले वीडियोस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी क्या होती है, कितनी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, कहने का मतलब कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक लाने में, एक चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड तक लाने में, या इनफाइनाइट पोजीशन से एक चार्ज की फील्ड में लाने में. ओके, तो दो वीडियो में हमने एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया. अपने आज के वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और इस चैप्टर में हमने देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. सपोज दैट अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है कि उसमें आपको चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया होगा, ओके, और आपसे पोटेंशियल पूछ ले, कुछ डिस्टेंस के साथ आपको फील्ड दे दे और पोटेंशियल पूछ ले, या पोटेंशियल दे दे और फील्ड पूछ ले, ओके, तो आप किस तरीके से पोटेंशियल से फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, कहने का मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, उसके लिए हमको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके बीच का रिलेशन. सबसे पहले हम आपको शो कराते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमने आपको सिखा दिया, पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ ही गए होंगे आप. ये एक पॉइंट चार्ज है जिस पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू. ओके, इससे कुछ डिस्टेंस पे, ये मान लेते हैं यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू वन. अगर इसे क्यू टू मान लें तो इसे क्यू वन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक चार्ज है क्यू वन जिससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है क्यू टू. हम समझिए इस चार्ज को इसकी डायरेक्शन में ला रहे हैं. ओके, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लेके आए, फिर यहाँ पे लेके आए. ओके, कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? तो इसको अगर मान लेते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है वो कुछ ये है पी पर. ठीक है, इसको एक नाम देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, इसको आर देते हैं. तो चार्ज को क्यू इनफाइनाइट से पहले इस फिक्स पॉइंट तक लाए. ठीक है, फिक्स पॉइंट तक लाएंगे तभी शुरू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. Q2 टू यहाँ आ गया. ओके, अब Q2 को R से Q तक ला रहे हैं, ये स्मॉल डिस्टेंस कवर करवा रहे हैं Q2 को. इस स्मॉल डिस्टेंस को हमने मान लिया, अगर पूरी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या मानेंगे, x. छोटी सी डिस्टेंस है तो dx मान लेते हैं. एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आप देख लीजिए W और dW में क्या अंतर होता है, W वर्क होता है और dW स्मॉल वर्क होता है, बहुत ज़्यादा छोटा वर्क. जब डेल्टा डब्ल्यू हो जाए तो उसे स्मॉल वर्क कहते हैं. इसी तरीके से पोटेंशियल V इक्वल टू होता है पोटेंशियल, और डी वी इक्वल टू होता है स्मॉल पोटेंशियल. तो जहाँ पे इस तरीके से साइन दिख जाए आपको समझ लीजिए कि काम बहुत कम हो रहा है. ओके, अब आप ये बताइए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं कि नहीं. अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो इस पर, इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा क्यू वन का, वो इसको इस डायरेक्शन में रिपल कर देगा. यहाँ पे कोई दिक्कत? तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ये होगी. अगर फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी. हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर में कि जिधर फोर्स जाता है, ठीक है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन अगर इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट. इधर हम किधर ला रहे हैं चार्ज को? डिस्प्लेस करवा रहे हैं आर से क्यू की तरफ, या इस चार्ज की तरफ. ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है नहीं डायरेक्शन. ये आप ऐसे इस तरीके से देखिए, अगर एक ही लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन ये है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, मतलब इन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 180. कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पर, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो तुरंत पूछिएगा आप वीडियो के बाद में. ओके, इसका एक कुछ ना कुछ डिस्टेंस का नाम ले लेते हैं. मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको आर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस चार्ज तक की
उसे मान लेते हैं हम, क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इस चार्ज को, इस Q2 चार्ज को इस डायरेक्शन में, इसकी फील्ड में लाने में किया गया वर्क, ठीक है, वर्क dW इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर स्केलर है तो फिर डॉट मल्टीप्लीकेशन, ओके। और डॉट को अगर हमको सॉल्व करना है तो लिखेंगे dW इज इक्वल टू एफ, डॉट हटाएंगे dx cos थीटा, कहाँ से आया आपको पता है, डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, सो एफ डॉट डी एक्स इक्वल टू हो गया एफ डी एक्स कॉस थीटा, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा एफ डी एक्स कॉस थीटा की जहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 80। और अभी अगर हम वैल्यू ना रखें इसकी, आगे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताइए, आपको मैंने वर्क का एक और फार्मूला बताया है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, और ये कौन सा वाला चार्ज होता है, वो Q2 वाला, Q0 वाला, जो सेकंड वाला लगता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू ई, कोई दिक्कत? F की एक वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, और हमको इस वाले अगर रिलेशन में हम देख रहे हैं तो हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल चाहिए और फील्ड चाहिए, ओके। फील्ड के लिए मतलब E चाहिए और V चाहिए, तो E हमको F को गायब करना है यहाँ से, E चाहिए, ओके। तो अगर इसकी वैल्यू, F की वैल्यू ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखते हैं तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा F की जहां पे QE cos थीटा, cos थीटा की जहां cos 80, कोई कंफ्यूजन? थीटा की जहां पे 80 क्यों होगा, मैंने यहां पे बताया आपको कि E और dx के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 180, तो cos थीटा इज इक्वल टू 180, dW इज इक्वल टू हो जाएगा, 180 की वैल्यू होती है -1, ओके स्टूडेंट, dW इज इक्वल टू हो जाएगा -Q2E, ये आपका इक्वेशन बन के आ गया ये, ठीक। और हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं अगर हम, तो बाय द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू या dV इज इक्वल टू बाय द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। dV इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, dW अपॉन चार्ज, चार्ज कितना, Q2, ओके। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमारा आ गया इक्वेशन एक दूसरा वाला। यहाँ से अगर हम देखें तो dW इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q2 इंटू dV, कोई दिक्कत? ये हमारा आ गया इक्वेशन 4, ओके स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 दोनों में dW इज इक्वल टू क्या है, Q2 माइनस Q2 इंटू ई, और इसमें क्या है, dW इज इक्वल टू Q2 इंटू dV, ओके। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को एक साथ लेते हैं, ये यहाँ पर रफ करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ओके 1, 2, 3। हमको चाहिए क्या था,
इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ दोनों में डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, इसे माइनस क्यू टू इंटू ई है, इसमें क्यू टू इंटू डी वी है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एक साइड में लेते हैं माइनस क्यू टू इंटू ई और सेकेंड साइड में लेते हैं क्यू टू इंटू डी वी, सॉरी यहाँ पे ई के साथ एक्स भी था, ओके डी एक्स, तो ये हो जाएगा Q2 से Q2 कैंसिल, E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ओके स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा, ये इस शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसको E शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को और B शो कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, X शो कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट जो Q2 इस R पॉइंट से इस पॉइंट पे आया उसे क्या कहते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, या ग्रेडियंट्स आप डायरेक्ट बोल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ग्रेडियंट्स आर डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये ना, बहुत छोटी, हाँ, तो अब यहां से एक थियरी एक रिलेशन ये निकल के आ गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उन चार्ज से दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो चली हुई दूरी है डिस्प्लेसमेंट है उसके रेशियो में होता है, लेकिन ये जो माइनस साइन है हमारा ये दिखा रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, इट मीन्स कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे फील्ड की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा, कम होगा, और अगर हम फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे, ओके लाइक फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट या फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, ओके स्टूडेंट्स ये टॉपिक क्लियर है, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको आपका दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट सेंटर, हाँ हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट सेंटर, आपको याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट साइन के, अगर अपोजिट साइन के चार्जेस अगर स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाएं तो उन्हें क्या कहते थे, उस सिस्टम को क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वहां पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई थी, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे रखा है तब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे रखा है मतलब परपेंडिकुलर रखा है तब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर ही हमारा वही है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सबसे पहले दो इक्वल एंड अपोजिट साइन के चार्जेस अगर कुछ स्मॉल डिस्टेंस लगभग यू, नापने मत लगना एक छोटा एक बड़ा है, दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है ओके, तो ये मान लिया हमने क्यू वन क्यू ही लेते हैं जब चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग अलग है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L, ऑलवेज स्मॉल डिस्टेंस होगी 2L होगी, ठीक है, अगर इनके सेंटर पे, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है, ये इसका सेंटर है, इसको मान लेते हैं पॉइंट X, इसको मान लेते हैं पॉइंट Y और इसको मान लेते हैं पॉइंट O, O पे हमने एक चार्ज रखा Q1, ओके एक टेस्ट चार्ज रखा Q1, तो इस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज के द्वारा कुछ पोटेंशियल पुट होगा और इस चार्ज के द्वारा कुछ पोटेंशियल पुट होगा, ओके तो टोटल नेट जो पोटेंशियल आएगा हमारा वो हम काउंट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सेंटर पे इस डाइपोल के हमने सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये टेस्ट चार्ज है हमारा, ठीक है, इस डाइपोल के सेंटर पे जो हमने टेस्ट चार्ज रखा इस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन चार्ज क्यू वन बाय माइनस क्यू, पहले तो आप एक चीज़ देख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आपके पास फार्मूले कितने हैं, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो फार्मूले बताए, एक तो बताया B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और क्यू वो वाला चार्ज जिस पे
जो इनफाइनाइट से आ रहा होता है, ठीक। और दूसरा मैंने बताया q इज इक्वल टू बी, सॉरी b इज इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर, या आर क्या होती थी उनके बीच की, उन चार्जेस के बीच की स्मॉल डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है आपको? तो इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा, माइनस क्यू के द्वारा, आप देखेंगे कि माइनस क्यू के द्वारा जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कितना होगा, उसको हम अगर बी वन मान लेते हैं, इसके द्वारा इस पर लगाया गया जो पोटेंशियल है वो बी वन मान लेते हैं, और इसके द्वारा इस पर लगाया गया जो पोटेंशियल वो बी टू मान लेते हैं, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू वन इक्वल टू होगा माइनस क्यू वन, कौन सा लगा रहा है ये बी वन, बी वन इक्वल टू होगा माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर। आर मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, एल, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी एल, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है टोटल डिस्टेंस टू एल, तो एक चार्ज से एक पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस एल और सेंटर से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस भी एल, इक्वल डिस्टेंस होगी, अगर टोटल टू एल तो ये एल और ये एल, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये बी टू इज इक्वल टू होगा प्लस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एल। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे कोई दिक्कत आई? हमने डायरेक्ट इस वाले फार्मूले से आपको ये वाला फार्मूला, इससे ये वाला चार्ज आपको याद होगा कौन सा चार्ज होता था, वो चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा था, जिसकी फील्ड में दूसरा टेस्ट चार्ज आ रहा था, तो हम इसी चार्ज को नहीं, दोनों चार्ज को लेंगे, ये चार्ज नहीं ले सकते। ओके, ये वाला चार्ज तो वाला है जो आ रहा है जैसा कि ये टेस्ट चार्ज, लेकिन ये जो फार्मूला है इसमें जो चार्ज है वो चार्ज है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा ये दो फार्मूले हमको, ये दो पोटेंशियल मिल गई इस पूरे डायपोल पे लगने वाले, तो इसका जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल फिजिक्स में नेट का मतलब हमेशा टोटल होता है, याद रखिएगा आप, नेट पोटेंशियल वी इज इक्वल टू होगा, मैंने बताया था ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, बी वन प्लस बी टू। ओके, बी वन प्लस बी टू मीन्स बी इज इक्वल टू, बी वन कितना आया माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एल, प्लस प्लस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एल, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो इट विल बी कैंसल आउट ईच अदर, ठीक, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा जीरो। समझ में आया स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होगा जीरो। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी डायपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से निकालते हैं, कितना होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो सेंटर पे अगर कोई भी दो चार्जेस उसने दे रखे होंगे, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है कि उसके जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो हमेशा कितना होगा जीरो। आपसे वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस भी पूछ सकता है, और डायरेक्ट सॉल्व भी करवा सकता है। तो ओवरऑल आपको याद रखना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है जीरो। तो स्टूडेंट्स, आज के दोनों टॉपिक, एक तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट सेंटर, और दूसरा हमने जो रिलेशन आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, दोनों टॉपिक अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट ले लिया, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो और आपको वीडियो ठीक से समझ में आ गया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर दोनों टॉपिक में किसी भी टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन है तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरी, अपने कंफ्यूजन्स क्वेश्चन के थ्रू, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। हालांकि आज तक, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है, तो आगे भी आशा करता हूँ कि देते रहेंगे। ओके सर, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए,
तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।